रैशनल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कीज़ के बारे में। कीबोर्ड में जो बटन होते हैं, कीज़ होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि कितने बटन होते हैं, कौन सा बटन क्या काम आता है और उनकी कीबोर्ड में कितनी संख्या होती है। फंक्शन की, इनकी संख्या 12 होती है। यह F1 से लेकर के F12 तक होती है। इनका प्रयोग अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग होता है। सामान्यतः F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, किसी फाइल का या फोल्डर का नाम बदलना हो तो उसके लिए रीनेम का प्रयोग किया जाता है। F3 सर्च करने के लिए, किस चीज़ को फाइंड करना है, ढूंढना है, तो F3 का प्रयोग करते हैं। F4 सर्च अगेन, जिस चीज़ को आप पहले सर्च कर चुके हैं उसे आपको पुनः फाइंड करना हो, दोबारा ढूंढना हो, तो उसके लिए F4 का प्रयोग करते हैं। F5 स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F6 रिपीट लाइन, जो आप कमांड यूज़ में ले चुके हैं उसको पुनः यूज़ में लेने के लिए F6। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से कीबोर्ड में टोटल F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ होती है और इनका हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ होता है। इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आगे है नंबर कीज़। कीबोर्ड में सेकंड नंबर की जो लाइन होती है बटनों की, उन्हें हम नंबर कीज़ कहते हैं। इन पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं प्रिंटेड होती है और इनकी संख्या 10 होती है। इन नंबर की सहायता से हम नंबरों को टाइप कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट की, इनकी संख्या 26 होती है, ए से लेकर जेड तक। इनका प्रयोग अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। स्पेस बार की, इनकी संख्या 1 होती है। कीबोर्ड में एक ही स्पेस बार की होती है और ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। इसका प्रयोग खाली जगह छोड़ने यानी स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। अगली की है आपकी टैब की, तो इनकी संख्या 1 होती है, यानी कीबोर्ड में एक ही टैब का बटन होता है। इसका प्रयोग एक बार में 4 अक्षरों का स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड में दिया हुआ है, तो ये देखिए ये टैब की है। आगे है कैप्स लॉक की, टैब की के नीचे ही कैप्स लॉक की होती है और इसकी संख्या 1 होती है। कीबोर्ड में एक ही कैप्स लॉक की होती है। इसका प्रयोग बड़े अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए यानी कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की, कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होती हैं और इनका प्रयोग बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है तथा इसका एक और उपयोग है। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिन पे 2-2 अक्षर छपे हुए होते हैं, तो अगर आपको बटन के ऊपर की तरफ छपे हुए अक्षरों को प्रिंट करना है तो उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। ऐसा करने से उस बटन के ऊपर की तरफ जो अक्षर छपे हुए हैं वह प्रिंट हो जाएंगे। इंसर्ट की इनकी संख्या 1 होती है। इस बटन की 2 स्थिति होती है, ऑन और ऑफ, यानी अर्थात हम इस बटन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो की है ऑन पोजिशन में रहती है और हम जो भी टाइप करते हैं वो शब्दों के बीच में इंसर्ट होता है, लेकिन जब हम इसको ऑफ कर देते हैं और हम टाइप करते हैं तो जो भी हम टाइप करेंगे वो पहले से लिखे हुए के ऊपर की तरफ प्रिंट होता चला जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है, कीबोर्ड में स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड
में अगर स्क्रीन को रिफ्रेश करना है कीबोर्ड की सहायता से, तो किस बटन से हम स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं? ऑप्शन है फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेस बार की, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, फंक्शन की। तो फंक्शन की F5 फंक्शन की है जिसकी सहायता से हम स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस बटन का प्रयोग लिखते समय ओवरराइट के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा बटन है जिसका प्रयोग ओवरराइट के लिए किया जाता है? विकल्प हैं फंक्शन की, इंसर्ट की, स्पेस बार की और पोज की। इसका आंसर है इंसर्ट की। इंसर्ट की दो पोजीशन होती है, ऑन या ऑफ। ऑन पोजीशन में डेटा इंसर्ट होता जाता है, जुड़ता जाता है, जबकि ऑफ पोजीशन में डेटा ओवरराइट करता है, पहले से लिखे हुए को मिटाता जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस बटन का प्रयोग एक बार में एक से अधिक अक्षरों का स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है? कंट्रोल की, इंसर्ट की, स्पेस बार की, टैब की। उत्तर है टैब की। स्पेस बार से भी हम स्पेस दे सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही अक्षर का स्पेस दे सकते हैं, जबकि टैब की से हम एक बार में एक से अधिक अक्षरों का स्पेस दे सकते हैं। लेटर की कितनी होती है? 10, 12, 1, 26। इसका आंसर है 26। एक कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक कुल 26 अल्फाबेट की यानी लेटर की होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बटनों के ऊपर छपे हुए अक्षरों को प्रिंट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कैप्स लॉक, शिफ्ट, F1, विंडो। इसका आंसर है शिफ्ट। तो शिफ्ट की से हम बटनों के ऊपर की तरफ जो अक्षर लिखे होते हैं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। बूम प्रश्न, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, ATM में किस प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे बेसिक कीबोर्ड, एक्सटेंडेड कीबोर्ड, कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड। इसका आंसर है कीपैड। कीपैड छोटे आकार के कीबोर्ड होते हैं जिसमें निश्चित संख्या में बटन होते हैं, बहुत कम बटनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ATM और पुराने जो मोबाइल हुआ करते थे उनमें भी कीपैड का ही प्रयोग किया जाता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।